नमस्कार सर, अभी आप लोगों को हम अपना एक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अपडेट का वीडियो दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप लोकेशन समझिए और कनेक्टिविटी समझिए तो इसका कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। और ये जो सामने रोड देख रहे हैं, जो अभी ये आपको मेन रोड है जो कि गांधी मैदान से कुर्जी होते हुए दीघा को कनेक्ट करते हुए सोगना मोड़ को कनेक्ट करती है। और जस्ट इससे आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद आपको आ जाता है जो कि जेपी सेतु से कनेक्ट करती है और मेरिन ड्राइव का कनेक्टिविटी है। यानी अगर आपको यहाँ से छपरा जाना है तो आप उस रास्ता से इजीली जा सकते हैं। और मेरिन ड्राइव वाला रास्ता पकड़ के आप गायघाट होते हुए कहीं भी, यानी दीघा से दीदारगंज जो रोड बन रही है उसमें कहीं भी आप जा सकते हैं। अगर दूसरा जो कनेक्टिविटी है, अगर आपको यहाँ से फिर एम्स जाना है या सोगना मोड़ जाना है तो आप नहर वाली रोड पकड़ सकते हैं या दीघा एम्स एलिवेटेड रोड, दोनों है। नहर वाली रोड नीचे है, दीघा एम्स एलिवेटेड रोड ऊपर गई, आप दोनों पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। यानी इस प्रोजेक्ट से कहीं का भी लोकेशन काफ़ी अच्छा है, जिसका कि ये प्रोजेक्ट है बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 10 का है। और अभी हम जो है इस पर 5th फ्लोर पे हैं। जितने भी फ्लैट हैं सारे एपो एरी है, स्पेसियस हैं और मिनिमम 2 साइड ओपन है। यानी आपको काफ़ी स्पेसियस फ्लैट है, सारे फ्लैट 3 BHK हैं और 3 BHK विथ 4 वॉशरूम। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको चारों तरफ 30 फीट का सेटबैक मिलेगा, जो कि यही रीजन है कि आपका जितना भी फ्लैट होगा सारा एरी रहेगा और स्पेसियस रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट में जो आपको काफ़ी चौड़ी रोड है और काफ़ी स्पेस छोड़ा गया है, तीनों साइड छोड़ा गया है और ओपन स्पेस है। इस साइड भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस छोड़ा गया है, इस साइड भी आपको अच्छा खासा ओपन स्पेस है जो कि एरी रहेगा क्योंकि दूसरा है उसका भी पार्क व्यू है। तो और ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग इसमें मॉल टाइप को बना रहे हैं, जैसे आप कहीं देखते होंगे पेंटालूंस या कोई कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों हैं। नीचे में हम लोग 2 फ्लोर पे कॉमर्शियल दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ एमिनिटीज हैं। अगर एमिनिटीज की बात कर ले तो स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, टेनिस कोर्ट, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, गेनी एरिया, हर चीज़ दे रहे हैं। इसमें टोटल हम लोग 4 लिफ्ट दे रहे हैं जो कि एक सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल्स के लिए और 3 रेजिडेंशियल्स के लिए। तो और 2 स्टेयर्स हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट आपको बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 7th फ्लोर तक कंप्लीट है। ऊपर देखिए 7th फ्लोर तक का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट है। और आप देखिए ऊपर में हम लोग साथ साथ ब्रिक्स वर्क भी कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं और ये हार्डली लास्ट 25 लास्ट तक में आपको कंप्लीट होकर मिल जाएगा। डेढ़ा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, किसी बैंक से आप लोन करवा सकते हैं, किसी बैंक से आप फिनांस करवा सकते हैं। अगर कोई इस डेवलप्ड लोकेशन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो चुकी है, अगर आप कॉमर्शियल रेजिडेंशियल सर्च कर रहे हैं तो आप एक बार हमें ज़रूर संपर्क करें, एक बार हमें ज़रूर बताएं, दिए गए नंबर पर एक बार ज़रूर कॉल करें। इस प्रोजेक्ट से अगर आप बोले तो PMCH भी हार्डली आप 10 मिनट में जा सकते हैं मेन ड्राइव के थ्रू या गायघाट में। कनेक्टिविटी में इस कहीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हर जगह आप इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। और चाहे एम्स हो तो एम्स भी आप हार्डली 10 मिनट के अंदर पहुंच जाइएगा। तो ये सब देख के आप अगर एक अच्छे लोकेशन में, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, एक डेवलप्ड लोकेशन में, अगर एक ओपन एरिया जिसमें काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप फ्लैट सर्च कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।